वेलकम टू ICT स्कूल प्रोजेक्ट झारखंड। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि माउस पैड और लीफ पैड का यूज़ किस लिए किया जाता है। माउस पैड और लीफ पैड के यूज़ से हम टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं। ऐसे तो लिबर ऑफिस राइटर में भी टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं, पर माउस पैड और लीफ पैड में डिफरेंस ये है, अगर कुछ नॉर्मल सा नोट्स हमें बनाना है, जैसे कि हम लोग विंडोज़ में भी अपना नॉर्मल नोट्स बनाते हैं नॉर्मल टाइपिंग करने के लिए, वो हम आसानी से जो है लीफ पैड और माउस पैड में बना सकते हैं। अभी देखिए, जैसे हम लोग जाके एसेसरीज में इसमें जो है लीफ पैड खोल लिए हैं, इसमें हम लोग कुछ टाइप कर लिए हैं। अब देखिए, इसमें जो है स्पेशल करेक्टर या वगैरह उसमें जितना कुछ मिलता है वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग नॉर्मल प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू सेव, उसके बाद एडिट में इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट में जाके, फॉन्ट का जो है डिज़ाइन चेंज करने का और साइज़ चेंज करने के लिए। डिज़ाइन और साइज जो है हम लोग यहाँ से फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं, और इसमें स्पेशल कुछ जो है ज़्यादा एप्लीकेशन में इसमें कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रिंट सेव वगैरह ओपन ये मिल जाता है। इसको सेव करने के लिए देखिए नीचे में नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो सेव हो जाएगा। नीचे में कैरेक्टर कोडिंग के लिए कुछ दिया हुआ है, अगर नॉर्मल अगर मान लीजिए कुछ हम लोग टाइप करते हैं कोडिंग के लिए, तो हम लोग वहाँ से उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग माउस पैड की ओर। इसमें भी जो है ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, इसमें भी नॉर्मल हम लोग टेक्स्ट लिख टाइप कर सकते हैं। जैसे कि HTML वगैरह में टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है टेक्स्ट पैड का, उसी तरह हम लोग इसमें भी जो है कुछ टाइप कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप कर लिए हैं, इसमें भी जो है व्यू में जाने पर जो है वही सिलेक्ट फॉन्ट वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट में फाइल टाइप, इसमें अंडू करने का भी ऑप्शन है, इसमें सेव, इसमें भी सेव करने के टाइम जो है डेस्कटॉप में सिलेक्ट कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं कुछ फाइल का। देखिए यहाँ इसको सेव कर लेंगे। तो एक ही नाम से पहले हम लोग सेव किए हुए थे, इसको कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, अब सेव करते हैं। देखिए दोनों फाइल जो है हमारे डेस्कटॉप में ये सेव हो गए हैं नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करने के लिए।